आप मेरे पीछे देख सकते हैं कलसियों का जो व्यू है सिटी का। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राउंड ऑफ माइल्स के एक और नए वीडियो में। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग कहां का रहने वाला है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, आज मैं जा रहा हूं कर्सियोंग, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और रास्ते में जो भी अच्छी अच्छी प्लेस मिलेंगे उसे कवर करते हुए हम जाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। हम सिलीगुड़ी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। वादियों में एक अचानक से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम एकदम ठंडा सा होने लगा है और पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। और ये सारे जितने ट्रक यहाँ पे आप लगे हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे नेपाल जाएंगे। यही बगल से एक नेपाल के लिए रास्ता कटता है, पानी टंकी मोड़ बोला जाता है उसे। इस होके भी आप नेपाल जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल नेपाल का व्यापार भारत के साथ में बहुत कम हो गया है। जिस तरह से पहले चलता था उस तरह से अभी नहीं है। पहले जो भी लोगों को नेपाल जाना रहता था, यहाँ से मुड़ कर जाना पड़ता था, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता था और वो सीधे नेपाल को जाता था। अभी आगे में एक फ्लाईओवर बन चुका है, उस फ्लाईओवर से जाते हैं सभी गाड़ियाँ। अभी भी यहाँ से भी जाते हैं और वो आप सामने देख रहे हैं मेरे, इसी के ऊपर से पास होंगे सारी गाड़ी। वहाँ दूर मुझे पहाड़ का हल्का हल्का झलक दिख रहा है, पता नहीं कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं या नहीं। बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है और अभी हम फिलहाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हैं। सिलीगुड़ी से पहले माटीगरा से ही कर्सियोंग के लिए बाएं में एक रास्ता जाता है, वहाँ से हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है। और इस रोड पर कुछ देर चलने के बाद ही पहाड़ों का नज़ारा दिखना एकदम स्पष्ट रूप से शुरू हो गया है। आप भी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, सामने में पहाड़ दिख रहा है, बादलों का भी नज़ारा दिख रहा है, पहाड़ों पर बसा हुआ छोटा छोटा घर देखने को मिल रहा है। इसलिए है तो वहाँ पे बड़ा बड़ा घर, लेकिन यहाँ से देखने में काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है। फिलहाल इस जगह पहुंचने के बाद आप कैमरे के माध्यम से स्पष्ट रूप से पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल साफ दिख रहा है। और यहाँ पे ठीक इसी जगह पे पहले कोरोना के लिए RT-PCR रिपोर्ट चेक होती थी, उसके बाद आगे बढ़ने की अनुमति होती थी। और यहाँ से ठीक राइट में आप लेते हैं तो रोहिणी होते हुए कर्सियोंग को जाएंगे, लेकिन अभी हम सीधे जाएंगे, रिटर्न में आते हुए इसको कवर करेंगे। पहाड़ों पर जो बसा हुआ घर होता है बड़ा ही मनमोहक लगता है देखने में, और इनसे जुड़ी हुई ये पतले पतले रास्ते धीरे धीरे कर इसी तरह से हम पहाड़ के वादियों में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़े देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े जंगल देखने मिल रहे हैं। इन सबको धीरे धीरे पास करते हुए हम कर्सियोंग की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यों ज्यों हम ऊपर चढ़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है मेरे बाइक को और मुझे भी। पहाड़ों पे चलने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। पहला बार कलिंगपोंग गया था, अब मैं कर्सियोंग को जा रहा हूँ, लेकिन बाइक चलाने में सच पूछिए तो हालत ख़राब हो रही है। किसी तरह करके मैं ऊपर बाइक ले जा रहा हूँ। मैं इसी तरह आगे बढ़ जा रहा हूँ। आप फिलहाल इस म्यूज़िक को एंजॉय करिए, मिलते हैं और आगे। Thank you.
धीरे धीरे हम पहाड़ के वादियों में प्रवेश कर रहे हैं और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। सच पूछिए तो हालत ख़राब हो चुकी है गाड़ी चलाते चलाते, और बीच बीच में सुंदर सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है। एक ऐसा ही दृश्य मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाता हूँ। काफ़ी दूर बाइक ड्राइव करने के बाद में हम करछियोंग को पहुंच चुके हैं। आप सामने करछियोंग का रेलवे स्टेशन देख सकते हैं और यह करछियोंग का मार्केट है। इस रास्ते को हम कंटिन्यू करेंगे और सामने से इस जगह का टॉप व्यू देखने के लिए हम उस पहाड़ी पर चढ़ेंगे जिस पहाड़ी पे आई लव करछियोंग और बाबा बजरंगबली का स्टेचू है। उस जगह चढ़ने के बाद वहाँ से हम इस सिटी का व्यू देखेंगे जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। तो गाइस हम लोग अभी करछियोंग सिटी को पार करके थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं करछियोंग का जो व्यू है सिटी का, और अभी थोड़ी देर में यहाँ से टॉय ट्रेन पास होने वाली है। मैं अभी आप लोग को वो टॉय ट्रेन दिखाने वाला हूँ, इंतज़ार कर रहे हैं। वो आ गए। मैं सामने से कैमरा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस अभी आप लोगों का मैंने टॉय ट्रेन दिखाया। इस टॉय ट्रेन के जरिए आप सिलीगुड़ी से आप दार्जिलिंग तक जा सकते हैं। बीच में कई सारे स्टेशन आती है, वहां तक भी आप टिकट लेके आ सकते हैं। ट्रेन से दार्जिलिंग का भी काफ़ी मनमोहक होता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से, जंगलों के बीच से आपको दार्जिलिंग तक ले जाती है। इसका समय दार्जिलिंग के लिए NGP में लगभग 10 बजे के आसपास है और शाम के 7 बजे के आसपास आपको दार्जिलिंग पहुंचाती है। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग करछियोंग पहुंच चुके हैं। करछियोंग में जो आप लोग प्रत्येक वीडियो या फोटो में देखते होंगे बड़ा सा हनुमान जी का मूर्ति और उसके नीचे में लिखा हुआ रहता है आई लव करछियोंग, वो आप ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये बाबा बजरंगबली का स्टैचू है, मूर्ति है, और ये नीचे में लिखा हुआ आई लव करछियोंग। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, देखने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं कैमरा को सामने करके आपको सिटी का व्यू दिखा देता हूँ। काफी जबरदस्त व्यू आ रहा है। यहाँ पे पल पल में बादल अपना रुख बदलता है, कभी साफ हो जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है। और बादलों से ऊंचे स्थान पे अभी हम बैठे हुए हैं। इस प्लेस को विजिट करने के लिए काफ़ी सारी सैलानी आते हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं आई लव करछियोंग लिखा हुआ है। इसी जगह पे आके सभी लोग फ़ोटो अब शूट करते हैं, हमने भी कई सारी फ़ोटो शूट किया है। और ये रोड अब देख सकते हैं, ये सीधे हम कंटिन्यू करते हैं तो दार्जिलिंग को पहुँच जाएँगे। फिलहाल अभी दार्जिलिंग का हमारा कोई प्लान है नहीं, अब अपने घर के लौटेंगे। अभी बिल्कुल मौसम यहाँ पे साफ था और आप देख सकते हैं पीछे पूरा कुहासे में ढक चुका है। यही पहाड़ का कुदरत का नियम है, कभी कुहासा कभी साफ। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुंदर सुंदर दृश्य को देख सकें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।